हाँ तो भाई अपने हम लोग वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले कुछ शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के माफी कि इतना ज्यादा टाइम हो गया वीडियो को। क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं लेकिन स्कूल वाले ये नहीं समझते हैं, ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। स्कूल वालों को क्वारंटाइन भी बच्चों की मारनी है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूल वाले कुछ भी करें लेकिन बोझ है, फायदा अपने को ही है, इसलिए क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं और कोचिंग का भी देखना पड़ता है तो मैनेज करना पड़ता है ट्वेल्थ का भी। तो इसी वजह से वीडियो नहीं आई इतने दिन तक, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं ना, आप लोग का ट्वेल्थ में अकाउंटिंग में चैप्टर है। तो आप लोग समझ लीजिए कि आज का टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्वेल्थ में मुश्किलें नहीं चाहिए, आसानी से समझना है। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम लोग आज पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करेंगे, बट टुडे वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा चीजों के बारे में एक बार में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे लिए इनकन्वीनियंट होता है लंबी वीडियोज देखना जो मैं इंग्लिश वगैरह की देखता हूँ, तो आप लोग के लिए भी इनकन्वीनियंट होता है मैं समझता हूँ, और इसी वजह से आज सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होती है उसकी, ये पहले समझिए। तो बिजनेस को एक सेकंड के लिए अगर साइड करते हैं तो पार्टनरशिप बहुत हम लोग सुनते हैं, हर जगह हम लोग पार्टनरशिप सुनते ही हैं। अगर आपने कोई बंदी पटा रखी है तो आप जानते ही होंगे कि रिलेशनशिप में पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंदी तो पटाए होंगे आप लोग, इतना तो हम जानते ही हैं, तो उसमें भी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरी तरह क्रिकेट के फैंस हैं वो ये जानते हैं कि क्रिकेट में भी पार्टनरशिप कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप हर जगह पे बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको प्रॉब्लम होती है। तो अब हम लोग बिजनेस पर आते हैं जो अपना असली टॉपिक है। तो बिजनेस में पार्टनरशिप क्यों होती है पहले ये समझिए। कंसिडर मिस्टर ए, उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। उसने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया कि हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप अपने रिसोर्सेज लगाओ, मैं अपने रिसोर्सेज लगाता हूँ, आप नॉलेज लेकर आओ अपनी, आप एक्सपीरियंस लेकर आओ अपना, तो हम इससे दोनों का फायदा होगा, इससे बिजनेस दो बिजनेस एक हो जाएंगे, तो उसका एक्सपैंड होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना मेरे सारे दोस्तों के लिए बहुत शुरू से ही, कि पार्टनरशिप अगर बिजनेस के लिए की जाए तभी उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ये समझ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की जाए तभी उसे पार्टनरशिप कहते हैं। दो लोग साथ में अगर आए और वो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, कुछ भी और कर रहे हैं, उसे पार्टनरशिप नहीं कहते माय डियर फ्रेंड्स। जब तक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप ना हो रही हो उसे पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप का मतलब, कि अगर एक को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, दो लोग, दो या उससे ज्यादा लोग साथ में आते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें जो आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्स में, तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर पीपल टू कम टूगेदर टू डू बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। तो ये पार्टनरशिप का मतलब होता है। तो अब पार्टनरशिप से फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, उनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो पहले, सबसे पहले फायदों के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मेरिट्स के बारे में, पार्टनरशिप से क्या फायदे मिलते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने को जरूर आता है। तो पार्टनरशिप के फायदा, पहला एक, मोर फंड्स। तो सब लोग जानते ही हैं फंड्स, कैपिटल, पैसा कितना ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सो कॉल्ड। तो अगर ये इतना ज्यादा जरूरी है तो अगर ये कम होगा तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट है, कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट सोल प्रोप्राइटर्स रहते हैं उनके बिजनेस की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास इनफ फंड्स ही नहीं रहते हैं। पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में जो आपके पार्टनर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे जो फंड्स होंगे। अगर एक आदमी पैसा लगाता है और उसकी जगह पे दो, तीन, चार, पांच, 20 आदमी पैसा लगाते हैं तो किसका पैसा ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल 20 वाले का ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा फंड्स रहेंगे तो ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेरिट है पार्टनरशिप का, मोर फंड्स, मोर चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
दूसरी अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग, तो इसके बारे में भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर डीमेरिट से आप रिलेट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को इसकी। अनदर डीमेरिट क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि उसमें जो मैनेजीरियल स्किल्स हैं कम होती हैं काफी। तो अगर मैनेजीरियल स्किल्स जो है हमारे पास अगर उतनी इनफ नहीं है तो अपने बिजनेस को हम लोग अच्छे मुकाम तक नहीं लेके जा सकते। अब मैनेजीरियल स्किल्स से मेरा सिर्फ मतलब मैनेजमेंट की स्किल्स का नहीं है, बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग स्किल्स चाहिए रहती हैं आप लोगों को, बिजनेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर एक बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है तो वो हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, वो मे बी फाइनेंसिंग में अच्छा हो सकता है, मे बी मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, मे बी एडवर्टाइजिंग में अच्छा हो सकता है, मे बी मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन हर चीज में एक बंदा अच्छा नहीं हो सकता। एक बंदा फाइनेंसिंग में अच्छा हो सकता है पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, एक बंदा मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, एक बंदा एडवर्टाइजिंग में अच्छा हो सकता है, एक बंदा अकाउंटिंग में हो सकता है, एक बंदे के पास टेक्निकल नॉलेज हो सकती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की यही एक डीमेरिट हम लोग ने पढ़ी थी कि उसमें जो मैनेजीरियल स्किल्स जो होती हैं काफी लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि एक बंदा के पास सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक बंदे से ज्यादा लोग हैं, आपके पास अगर ज्यादा लोग हैं, डिफरेंट पार्टनर्स हैं, डिफरेंट ओनर्स हैं बिजनेस के, तो उनके पास डिफरेंट अलग अलग तरीके की होती हैं अपने पास बिजनेस क्वालिटीज। कोई बंदा बहुत अच्छा है फाइनेंसिंग में, उसे पता है कि इतना फाइनेंस हम यहां से अरेंज करेंगे और इस तरीके से यूज करेंगे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकें विद मिनिमम लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट अगर वो लोन लेने की सोचता है तो। कोई बंदा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी बंदे की एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हो सकती हैं, कोई बंदा के पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता करता रहे, वो नई टेक्नोलॉजी के लाए, और उसके मतलब टेक्निकल स्किल्स जो है वो काफी अच्छी हो सकती हैं। तो आप समझिए जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में क्या ऐसा होता है कि जो स्कूल का अगर स्कूल एक टीचर चलिए संभाल रहा है, एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा, अकाउंटेंसी पढ़ा देगा, मैथ्स भी पढ़ा देगा, फिजिक्स पढ़ा देगा, केमिस्ट्री पढ़ा देगा, नहीं अलग अलग टीचर्स क्यों रखे जाते हैं सोचा, इसीलिए क्योंकि हर इंसान अलग फील्ड में एक्सेल करता है। तो अगर हर इंसान अलग फील्ड में एक्सेल कर रहा है तो उसको उसके बेस पे डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में हर डिसीजन चाहे वो जिससे भी रिलेट करता हो वो कौन लेगा, वो एक अकेला बंदा लेगा। लेकिन पार्टनरशिप में मार्केटिंग के डिसीजंस एक सोचेगा कि ये बेस्ट है इसके लिए, फाइनेंसिंग के डिसीजंस एक सोचेगा, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट मेरिट। अब अगर तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं तो तीसरे की क्या हो सकता है पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्टनरशिप में तीसरा इंपॉर्टेंट मेरिट ये हो सकता है कि पार्टनरशिप में भी आपकी जो वो होगी सीक्रेसी जो होगी वो मेंटेन्ड रहेगी। ये खैर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, लेकिन पार्टनरशिप में भी आपकी जो सीक्रेसी जो रहेगी मेंटेन रहेगी। बिजनेस के लिए सोचने वाले काफी ज्यादा माइंड्स रहेंगे आपके पास। एक इंसान जो है वो जरूरी नहीं है बेस्ट सोच सके बिजनेस के लिए, लेकिन अगर काफी सारे लोग हो जाएंगे तो बेस्ट सोच सकते हैं बिजनेस के लिए। और अगर आपके पास काफी ज्यादा ओनर्स है सब बिजनेस की अपनी चिंता करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी कभी भी बाहर नहीं जाएगी, डिफरेंट प्लान्स लेकर आएंगे लोग, डिफरेंट स्ट्रेटजीज लेकर आएंगे जिससे पूरे बिजनेस को फायदा होगा। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट मेरिट होता है। तो हम लोग को पता है कि अगर डीमेरिट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन आप अगर सोचिए कि आप अकेले बंदे हैं जो अपने डिसीजंस लेते हैं, लेकिन आपके पास 15 बंदे हैं एक बिजनेस का डिसीजंस लेने के लिए, सब अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं वो बात मानता हूं, लेकिन क्या डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते, क्या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकते, अग्रीमेंट को लेके क्या लड़ाइयां नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और अगर उसी एग्जाम्पल पे हम लोग वापस आते हैं, कहा गया भाई ये रहा, उसी एग्जाम्पल पे अगर वापस आते हैं तो ये जो पार्टनरशिप चलती है क्रिकेट में, अगर जरा सी भी डिस्प्यूट होती है दो पार्टनर्स या फिर सो कॉल्ड दो प्लेयर्स के बीच में, रन आउट होता है। कॉन्सिक्वेंस है उस डिस्प्यूट का, जरा सी आपकी बंदी नाराज हुई, जरा सी आपने देखा कि मेरी बंदी दूसरे बंदे के साथ है, दोनों में डिफरेंसेस आए, खत्म, ब्रेकअप। होना नहीं चाहिए, कह रहा आप लोग का नाम, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हो सकता है पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। अब बिजनेस की तरफ अगर हम लोग वापस आते हैं तो बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो वो लोग एक परफेक्ट डिसीजन नहीं बना पाते हैं।
अगर कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, किसी को लगता है ये सही है लेकिन दूसरे को लगता है ये सही नहीं है, तो सबसे पहले तो डिसीजन बहुत टाइम तक आ नहीं पाएंगे, और अगर मे भी फोर्सफुली आते भी हैं कहीं से तो सही डिसीजंस नहीं आएंगे। सही डिसीजंस अगर नहीं आएंगे तो पूरे बिजनेस का नुकसान होगा, लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, इवन पार्टनरशिप छोड़ के आदमी जा भी सकता है और उसके जाने से बहुत असर पड़ सकता है बिजनेस में, जो वो नॉलेज जो वो रिसोर्सेज लेकर आया था, अगर एक बार की सब चला जाए तो पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है। माइंडेड पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है एक बंदे की वजह से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदा में वही काबिलियत हो, सकता है एक दो बंदे एक्सेप्शनल, उनके पास ऐसी काबिलियत हो, ऐसी नॉलेज हो, ऐसा एक्सपीरियंस हो जो बिजनेस को उनकी अलग बनाता हो, और बिजनेस में रहना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए। अगर वो चले जाते हैं तो पार्टनरशिप खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए डिस्प्यूट्स, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट है पार्टनरशिप का। और दूसरे डीमेरिट की बात करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो गवर्न किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार्टनरशिप फर्म्स मानते हैं, वो ये कहता है कि अगर आपका जो बैंकिंग मतलब आप बैंक खोलना चाहते हैं पार्टनरशिप की तरह, तो आपकी जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 10 बंदे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक नहीं खोलना चाहते, आप कोई दूसरा बिजनेस है, तब भी मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो पार्टनर्स है उसमें, वो 20 तक ही हो सकते हैं। तो मैंने जब मोर फंड्स की बात करी थी तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो ज्यादा आपके फंड्स हो पाएंगे लेकिन कंपनी से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 20 लोग ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर आपको बहुत ज्यादा ऊंचा लेके जाना है अपने बिजनेस को, तो हो सकता है मे बी वो 20 लोग इनफ ना हो उसके लिए, और फंड्स की जरूरत हो, और नॉलेज की जरूरत हो, और टेक्निकल नो हाउ की जरूरत हो जो 20 लोग ना दे पा रहे हो। तो ये भी हो सकता है एक पार्टनरशिप में कि वो 20 लोग वो चीज ना दे पा रहे हो, उतने फंड्स इकट्ठा ना पा रहे हो, उतनी नॉलेज ना आ पा रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब इसमें भी हम लोग अगर कहेंगे तो लैक ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, 20 लोग हैं या एक लोग है, हो सकता है कि 20 लोग भी उतना काम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर कंपनी से अगर इसको हम लोग कंपेयर करने जाते हैं तो कंपनी से इसको नहीं कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 20 लोग लिए जा सकते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें अनलिमिटेड लोग, आप जितने लोग लेना है ले सकते हो आप। तो ये अगर दूसरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट होती है पार्टनरशिप की। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट है वो पार्टनरशिप को थोड़ा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये फर्म अच्छी नहीं है, लेकिन जानना उसके बारे में जरूरी है, तो वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ऐसा कुछ टर्म मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप वाली वीडियो में भी बताया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसमें सिर्फ एक बंदा अपने ऊपर डिपेंड कर रहा था कि अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया, अगर मैं डेब्ट क्लियर नहीं कर पाया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेरे सर पे, मुझे अपनी पर्सनल एसेट्स तक बेचनी पड़ सकती हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या रहता है, पार्टनरशिप में अगर आप एक जो बंदा है जो आपका दूसरा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल उसने लोन लिया है 50 लाख रुपए का, लेकिन अब वो पैसा नहीं चुका पाया अपनी पर्सनल एसेट्स बेचने के बाद भी, चलिए वो पैसा वो नहीं चुका पाया, वो बैंकक्रप्ट हो गया, तब भी अगर वो पैसा नहीं चुका पाता है, अगर उसका पेमेंट बच जाता है तो वो दूसरे पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब अगर ये सोचिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि दूसरे की गलती के लिए अगर किसी ने कुछ मतलब रूल तोड़ा है, किसी ने कुछ मतलब रूल तोड़ा है, जब ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आपको फाइन देना पड़ेगा बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ हिम, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें भी केस आता है। और ये पार्टनरशिप का मतलब ऐसा डीमेरिट है जिससे लोगों का विश्वास होता है पार्टनरशिप की, मेरी कोई गलती भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लोन उस बंदे ने लिया, उस बंदे को पैसा देना था, मुझे अपने असेट्स बेच के उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डीमेरिट है पार्टनरशिप का। तो हम लोग ने मेरिट्स के बारे में बात करी, हम लोग ने डीमेरिट्स के बारे में बात करी। अब कुछ एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, अब जब हम लोग अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो अग्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओरल अग्रीमेंट जो जनरली बनाया नहीं जाता है और उसके नुकसान भी बहुत होते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। एक होता है रिटन फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से आप बहुत मुश्किल ना समझिए इसको, पार्टनरशिप डीड का बस यही मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर होंगे दो पार्टनर्स के बीच में, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने ओरल अग्रीमेंट कराया है,
तो आप जो अपने पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते, अगर उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ रूल्स भी तोड़े हैं जो आपने ओरली कहा था कि हाँ हाँ ये आप ये मानना है, ये टर्म्स और कंडीशंस, अगर वो उनको वॉयलेट भी करता है तब भी आप उसे स्यू नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। एंड द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया रिटन मांगती है अग्रीमेंट आपसे, रिटन मांगती है प्रूफ आपसे, वो आपकी जबानी पे, आपकी वादी पे नहीं टिकती। ये कोई हिंदी फिल्म नहीं चल रही है, इट इज अ सीरियस एंड क्रूअल बिजनेस, माइंड इट। तो हम लोग ने इसी के बारे में बात करी, पार्टनरशिप डीड का ही मतलब होता है। पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास रहता है तो आप स्यू कर सकते हो, आप केस कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपने फर्म का। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपने ओरल अग्रीमेंट किया है, आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते अपने फर्म का। तो ये पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग ने सो कॉल्ड बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की जब बात आती है, कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है, तो उसके भी जो होते हैं वो काफी दो बेस होते हैं। पहला होता है ड्यूरेशन, कितने समय के लिए पार्टनरशिप बनाना है। अगर है, वो है पार्टनरशिप एक्ट विल, उसमें एक होती है पार्टनरशिप एक्ट विल, और एक होती है कि हमको मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्टनरशिप उसको कहते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाना है। पार्टनरशिप एक्ट विल का मतलब ये होता है कि वो दोनों पार्टनर्स के विल पे बनाई गई है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों पार्टनर्स का मन है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए बनाई गई है, और वो तब तक चलेगी जब तक अग्रीमेंट में लिखा गया है। जैसे ही कोई भी टास्क, फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप डिसाइड करे कि हमको एक डील क्रैक करनी है, इससे उसके लिए सिर्फ पार्टनरशिप हो रही हो, तो जैसे ही वो डील हो जाएगी, जैसे ही वो बिजनेस हो जाएगा, तो पार्टनरशिप जो होगी वो खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप एट विल तब तक चलती रहेगी जब तक पार्टनर्स का विल है, जब तक पार्टनर्स का मन है। दूसरी बेस होता है पार्टनरशिप का, उसको हम लोग बोलते हैं अपना लायबिलिटी के बेसिस पे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का तो मैंने आपको बताया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो जनरल पार्टनरशिप उसको बोलते हैं, जब जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी से ही आपको नाम समझ में आ गया कि अगर आपका पार्टनर जो है अगर आपका, अगर उससे कुछ भी ऐसा अफेक्ट होता है, अगर उसने कुछ भी ऐसा लोन लिया है और पैसे नहीं दे पाएगा, आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। इवन अगर आप भी लोन लेते हो और आप अपने बिजनेस असेट्स बेचने के बाद पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो आपके भी पर्सनल असेट्स नहीं बिकेंगे सो कॉल्ड। और जनरल पार्टनरशिप का वही सिमिलर केस है कि अगर आप पैसा ले रहे हो किसी से और आप चुका नहीं पा रहे हो समय पे, तो आपका क्या बोलते हैं अपना पैसे आपको देने पड़ेंगे अपने पर्सनल असेट्स बेच के इवन। तो ये पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात हो गई। जल्दी से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर नाम से समझ में आता है, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर जो मैनेजमेंट में डिसीजंस में अपने मतलब हाथ लेता है, जो उसमें डिसीजन मेकिंग मदद करता है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, और वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। स्लीपिंग पार्टनर, उसका सारी चीजें सेम है एक्टिव पार्टनर से, बस वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये उसका सिंपल लॉजिक है, वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी वो भी कैपिटल देता है और लायबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का बस ये मतलब होता है कि उस वो पार्टनर है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का, ये नोन नहीं है पब्लिक को, ये पब्लिक को नहीं पता है कि वो उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अपना वो भी एक पार्टनर है, तो पब्लिक को नहीं पता होता है कि वो पार्टनर है उस पार्टनरशिप का। अदर देन दैट सारे फीचर सेम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है और मैनेजमेंट डिसीजंस में हाथ लेता है, सिर्फ उसका नाम नहीं सामने आता है। चौथा होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा आदमी होता है जो मतलब कहता है कि आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक रोल ऐसे नहीं होता है, बस कहता है कि अगर आपको मेरा नाम यूज करना है तो आप अपना नाम वो अलाउ करते हैं कि आप मेरा नाम को यूज कर सकते हो पार्टनरशिप में, और बाकी उसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, कैपिटल भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है और मैनेजमेंट के डिसीजंस में भी हाथ उसका कोई नहीं होता है। पांचवा आता है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बता देते हैं, बुक में नहीं है, अपकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। अपकमिंग पार्टनर्स, कोई अगर नया पार्टनर अंदर आया है तो अपकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ के चला गया है तो आउटगोइंग पार्टनर। एक और है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब होता है कि कोई 18 से कम एज का है तो उसको माइनर पार्टनर बोलते हैं। तो ये तो आपके तीन कोर्स में नहीं था, एक्स्ट्रा मुझे पता चला इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो अब दो और हैं, दो इंपॉर्टेंट है। पहला होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और दूसरा होता है पार्टनर बाय एस्टोपल। कंसिडर दैट देयर आर टू पार्टनर्स हैं,
एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स हैं और एक तीसरा है जेड। अब एक्स और वाई बता रहे हैं कि जेड मेरा पार्टनर है, लेकिन जेड ये अग्री नहीं कर रहा है कि हम उनके पार्टनर, जेड कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है कि हम उनके पार्टनर हैं। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, कि वो दोनों तो बता रहे हैं कि हाँ तुम मेरे पार्टनर हो सबको, वो ये ऐसा बोल रहे हैं सबसे, लेकिन वो नहीं बोल रहा है कि हम उनके पार्टनर हैं। होल्डिंग आउट एकदम उल्टा है इसका, कि वो दोनों अग्री नहीं कर रहे कि आप मेरे पार्टनरशिप के पार्टनर हो, क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक रोल प्ले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं इनके पार्टनरशिप में हूँ पार्टनर। तो वो यही दोनों हैं, इसको बोलते हैं जो मैंने अभी बताया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि वो दोनों अग्री नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे पार्टनरशिप में पार्टनर हो, बस ये क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ, और ये अपना नाम जबरदस्ती पार्टनरशिप में लगाता है। लेकिन इसको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, अगर कोई पैसे देने की बात आ जाती है बिजनेस में, पैसे देने की कोई भी बात आ जाती है, लायबिलिटी कोई भी बात आ जाती है, तो वो जो अपोजिंग पार्टी है वो इससे भी कह सकती है कि आप भी अगर पार्टनर के अगर इसके पार्टनर हो तो लायबिलिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको उससे बचना है तो वो रिजाइन कर सकता है इमीडिएटली, लेकिन अगर वो इसमें फंस गया, उसने रिजाइन नहीं किया देड़ शाणा बन के, तो उसको भी पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स की बात हो गई, हम लोग ने पूरी बात कर ली आज पार्टनरशिप की। तो अब आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर से सॉरी वीडियो लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टनरशिप जैसे पढ़ा ना, बनाए रखिए उसको, ये खेलते हैं तो इसमें भी खैर खेल तो रहे नहीं होंगे, क्वारंटाइन डेज में वीडियो गेम में भी खेलते हैं, फिर भी बनाए रखिए और प्यार में तो बनाए रखिए, बिकॉज कोऑपरेशन के बिना, पार्टनरशिप के बिना ना प्यार हो पाता है, ना खेल हो पाता है, ना बिजनेस हो पाता है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, जब मैं अभी वीडियो देख रहा था तो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बोल दिया था कि अगले वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सो ड्यू अपॉलोजीज फॉर दैट। थैंक यू।